आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जानवरों के कुछ अजीब से बिहेवियर को। जैसे कि इस वीडियो को देखिए, जहां पर एक ईगल जो कि एक लिजर्ड की सवारी कर रहा है। असल में होता यह है कि अगर ईगल को लिजर्ड को पकड़ना हो तो बस आसमान से आकर उसे पकड़ लेगा और उसे हवा में ले जाएगा, या फिर अपनी चोंच की मदद से उसे नुकसान पहुंचाकर उसे खा जाएगा। लेकिन इस केस में होता यह है कि वो आसमान से उसकी पीठ में आकर उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन लिजर्ड अचानक से चलने लगता है और ईगल भी काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उसकी सवारी करने लगता है। और रोड क्रॉस करने के बाद ईगल उस लिजर्ड को थैंक यू बोलता है और उसे खा जाता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहां पे तीन टर्की आपस में गोल गोल घूम रहे हैं एक दूसरे का पीछा करते हुए। अब ये क्या हो रहा है, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। बस हो ये रहा है कि पहला टर्की दूसरे को फॉलो कर रहा है, दूसरा तीसरे को फॉलो कर रहा है और तीसरा पहले को फॉलो कर रहा है और चेन बन गई है ऐसे और वो आपस में घूम रहे हैं। बस ज़्यादातर तो इसका रीज़न यही बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा समझदार पंछी नहीं होते और कोई भी खतरा आने पर ये भागने लगते हैं और एक दूसरे का पीछा करते करते ये कुछ ऐसी चेन बना लेते हैं। अब जरा इस कमाल की वीडियो को देखिए, जहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ पेड़ों पर ऊपर चढ़ी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ये वीडियो है ग्रीक ब्रिटेन का, जहाँ पर बकरियाँ पेड़ों पर इसलिए चढ़ी हैं क्योंकि ज़मीन पर घास खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सबने फैसला किया कि उन्हें पेड़ पर चढ़कर ही अपना खाना मिलेगा, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर पत्तों का आनंद ले रहे हैं। क्या आपको पता है, अगर आप एक डॉल्फिन को शीशा दिखाओगे तो वो अपना चेहरा उस शीशे में पहचान सकता है। ये काफ़ी कमाल की बात बताता हूँ डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन पानी के अंदर खेलते हैं, वो भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह, जैसे कि हम पानी के अंदर बॉल से खेलते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं, वैसे ही डॉल्फिन एक फिश को पकड़ लेती है फूगो नाम की और उस फूगो को एक बॉल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन एक दूसरे को बॉल फेंक कर देते हैं, वैसे ही डॉल्फिन भी एक दूसरे को फेंक कर उस फूगो को देते हैं। बस वहाँ पर वो फूगो को एक बॉल की तरह यूज़ करते हैं और वो खेलते हैं। अगर हम गाय की बात करें तो गाय के बारे में आपको ये ज़रूर पता होगा कि वो सिर्फ घास खाती हैं, वो मांस नहीं खाती। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये गाय एक चिकन को खा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, वो एक चिकन को ही खा रही है। वो शाकाहारी के बजाय मांसाहारी बन रही है। चलिए अब इसके रीज़न के बारे में हम जानते हैं। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब एक गाय को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते घास से, तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन ये सच है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। सिर्फ गाय ऐसी हरकतें नहीं करते, यहाँ तक कि अलग अलग जानवर भी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि शाकाहारी हैं, जैसे कि एक जिराफ, एक हिरन या फिर एक भेड़ ऐसी हरकतें करते हुए पाए गए हैं। जैसे कि इस जिराफ को आप देख सकते हैं, वो मरे हुए जानवर को खा रहा है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से वो उनकी हड्डियाँ तक खा जाते हैं। काफ़ी ही अजीब बात है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। और आज इस वीडियो से आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।